हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल लाइन महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी महामैराथन चल रहा है पावर ग्रिड का, तो 24 तारीख को एग्ज़ाम है पावर ग्रिड का। 24 नवंबर को पावर का एग्ज़ाम है, तो लगभग 22 को भी बार के का एग्ज़ाम है। तो लगभग 21 तक महामैराथन चलेगा। 21 तक टारगेट है कि करते रहें, तो आप सब जुड़े रहें और लगातार ये लगभग बहुत एक एक मंथ वैभव से लगभग की महामैराथन चल रहा है। तो और भी जो चीज़ देखना चाहते हैं, तो उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है, तो आप देख सकते हैं, अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि महामैराथन में क्या क्या चला है, तो फर्स्ट जो सेशन चलता था, फर्स्ट में चलता था वो तो स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर चलता था। उसके बाद सेकंड में चलता था वो है कि यूथ का जो होता है वॉल्यूम 2 होता है, उसको सॉल्यूशन कर रहे थे। उसके बाद जो होता है थर्ड में चल रहा था, थर्ड में जो चल रहा था हम लोग का वो था, थर्ड में चल रहा था जो कि इलेक्ट्रिकल या ऑफलाइन सेट चलाता है, ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है। तो वहाँ का जो भी सेट होता है उसका सॉल्यूशन वहीं हो जाता है। तो अगर ज्ञान और मोक्ष की धरती से आप आते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकल लाइन में स्वागत अभिनंदन है। आप अपना करके सेट मार सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां आपको जो कि डेली सेट जो है, ये सेट आपको दिख रहा है, यही सेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेट मार करके आप जो है सो कम्युनिटी लाइन में दिया जाएगा। कम्युनिटी में आप अपना क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं और अपना नंबर बता सकते हैं, और सॉल्यूशन जो अभी है जो ऑनलाइन हो रहा है, तो उसी तरह से सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसी तरह से इलेक्ट्रिकल आई से जुड़ सकते हो, इसी तरह से महामैराथन चल रहा है इलेक्ट्रिकल आई का। तो चलिए, अभी जो हम लोग अथी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो है जो कि मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, मैथ का जो कि PGCIL का, PGC दिख नहीं रहा, PGCIL का जो कि मैथ है, उसको सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद रीजनिंग को भी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए, अभी सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पावर ग्रिड में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको जो कि पावर ग्रिड में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, मैथ में खास करके और रीजनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या क्या बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। महामैराथन में जो कि मैथ है आज का सेट सॉल्यूशन, उसको देखते हैं। आज जो है से 6 नवंबर है, आज डेट जो है से 6 नवंबर है, 6 नवंबर 2023 है, तो उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो कि सेट का सॉल्यूशन है, उसको देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या। तो चलिए सेट का सॉल्यूशन का चालू करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लाते हैं और पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को। तो पहले मैथ से ही शुरू करते हैं, मैथ में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले देख रहे हैं कि विटामिन के कमी से क्या होता है, विटामिन के से क्या होता है, तो बांझापन होता है। इस तरह से क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी का अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है। कह रहा, लिफ्ट रखे गए भार यांत्रिक में 80 किलो है, व्यक्ति खड़ा है, यदि लिफ्ट टूट जाता है तो उसका क्या मान हो जाता है, तो लगभग 0 हो जाता है। यह प्रतिरोध से न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में भी टेम्परेचर से है, क्वेश्चन अच्छा अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए, अभी हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में पढ़े, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250 दिया गया है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य का 36% छूट देता है, जो अंकित मूल्य होता है उस पर 36% का छूट देता है, बेचकर 20% लाभ भी कमाता है, कितना कमाता है, 20% लाभ भी कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य हम लोग को बताना है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, देखिए एक यहाँ पे CP होता है, यहाँ पे अंकित मूल्य होता है, इसके बाद जो होता है SP होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं बनाने के लिए। देखिए तीनों दिया गया था यहाँ पे, तो देखिए जो कि क्रय मूल्य कितना था, 250 था,
250 किराया मूल था, उसके बाद अंकित मूल का तो पता नहीं है यहाँ पे, और कह रहा है कि बेचने के बाद 20% का लाभ होता है, ये जो बेचता है ना तो उसका 20% का लाभ होता है। तो 250 का 20% का मान निकाल देंगे, 250 का 120% के मान निकालेंगे, 1 0 से 1 0 ऊपर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 दूनी 50 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 25 दूनी 50 और 25 कितना हो जाएगा, तो 0 5 बजे हाथ में 300, तो लगभग जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जो 250 था तो SP 300 रुपया हो जाएगा, मतलब कि 20% लाभ हो रहा था। कह रहा है कि अंकित मूल पर 36% का छूट दे रहा है, तो 300 पर 36 उल्टा गुना कर देंगे, 36% कम, 36% कम करेंगे तो 100 में से 36 कम करेंगे तो कितना होगा, 3604 40 और 60, 64 कम होगा ना, तो 64% इसका निकाल देंगे 300 का, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 हाथ में 1 और 6 3 18 1 19, 192 रुपया हो जाएगा, जो कि अंकित मूल कितना हो जाएगा, 192 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा था, क्या कह रहा था यहाँ पे, प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल कितना होगा, थोड़ा सा कहीं गलती हुआ लगता है यहाँ पे, जो कह रहा था उसको हम बना चुके हैं और आगे देखते हैं क्या इसमें छूटा था। सॉल्यूशन क्वेश्चन अच्छा अच्छा रहता है स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करेंगे तो पावर ग्रिड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कह रहा था वस्तु का किराया मूल 250 रुपया था, ठीक है 250 रुपये हम रखे हुए थे, उसके बाद कोई वस्तु का दुकानदार पर अंकित मूल पर 36% का छूट देता है, अंकित मूल पर छूट देता है, अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये कर दिए हैं, थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, देखिए थोड़ा सा में गलती हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग को CP आया था कितना आया था, 250 रुपया आया था, CP का मान 250 रुपया था, SP जो आया था कितना आया था, 300 आया था, 300 में 36% का छूट दे रहा है, 36% का छूट मतलब 50 गुना 100 और 18 गुना 36, 9 गुना 18 5 25 यही हो गया ना, तो अब नहीं कटेगा, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 6 और 1 बच जाएगा, 16 पौन 25, मतलब कि 16 पौन 25 कम करना है इसमें से, 300 में से 16 पौन 25, यहाँ 300 है ना, 300 में से 25 / 16 कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30 के आसपास कटेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेटर को थोड़ा ले आते हैं स्पीड में काम करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा, क्या बोल रहा था यहाँ पे, 150 गुना जो कि 25 डिवाइडेड बट कितना कह रहा है कि 8, तो 468 के आसपास आंसर आ जा रहा है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो इसी तरह से सॉल्व करिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा स्लो हो सकता है लेकिन क्वेश्चन अच्छा अच्छा आपको मिलेगा, देखेंगे देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा स्टूडेंट को हुआ था, वही क्वेश्चन ज़्यादातर बता देंगे, अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। कम्युनिटी लाइन एक दिन पहले ही दिया जाता है, तो कम्युनिटी लाइन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 76 में बन गया था, 76 का बन गया था, 77 का भी देखते हैं, 77 में क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। कह रहा था कि कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, ब्याज का कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजन है तो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे ब्याज जो कि कितना प्रतिशत ब्याज की दर से P बराबर दिया गया है 7200 और ये जो CI चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि इतना है, तो अगर दोनों को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 में से 2 गया 7 बचेगा और लगभग 738 रुपये क्या हो गया, ब्याज आ गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 738 रुपया ब्याज हो गया, तो CI का मान निकाल देंगे फार्मूला डायरेक्ट लगा करके,
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुत कंफ्यूजन लोग होते हैं कि जैसे अर्धवार्षिक बोला है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि रेट जो हो जाता है सो आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और समय जो हो जाता है वो दुगना हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा अर्धवार्षिक के फॉर्म में। तो इसको छोटा करके सामने रख करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं निकालते हैं क्या होता है। तो सी आई का फॉर्मूला जो होता है, सी आई बराबर पी इंटू वन, सी आई का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो सीधा पुट कर देना है। सी आई दिया गया 7800, नहीं 7900 दिया गया है, 7938 दिया गया है, और पीक दिया गया है तो इतना 7290 दिया गया है, प्लस 1 + R/100 हो जाएगा। तो आर हमको निकालना है, और टाइम दिया गया है 1 वर्ष दिया गया है। देखिएगा यहाँ वार्षिक रूप में कहा, तो 1 वर्ष, तो वर्ष कितना हो जाएगा? दो दो हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? देखिए ये स्क्वायर जो है सो पहले इधर लेकर चलाएंगे, ये स्क्वायर है, इसको रूट चढ़ा देंगे, तो रूट चढ़ाने के बाद जो कि आ जाता है 441/400 आ जाएगा। 441/400 के आसपास आ जाता है, 441/400 आ जाता है, जो कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 + R/200 है। और यहाँ से R का मान आप निकाल सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाता है आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन यही था कि रेट को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, और समय को दुगना कर देते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा गलती लड़कन को हो गया है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, जो कि 77 का आंसर जो आ रहा है, 10% आ रहा है, यह वाला ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 दिक्कत हुआ है कि नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। 78 बन जाएगा स्टूडेंट, अगर बनाइएगा तो बन जाएगा। कम्युनिटी लाइन में आप दे करके आप बना सकते हैं। 79 भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 भी क्या है? सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 79 भी बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऐसे जो दिक्कत होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है? 79 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। तब तक हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा, बस एक ही क्वेश्चन में हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिएगा देखिए यहाँ कह रहा है कि 423 दिया गया है, 423 हो जाएगा। 270 है, 270 है, भागा में है, तो गुना में करने के लिए 7/3 कर देंगे। इसी तरह गुना 35 है, और फिर यहाँ प्लस है, प्लस के बाद इधर जो आ रहा है 17 डिवाइड है, तो गुना में कर देंगे, 3/1 हो जाएगा। इस तरह से है, और फिर माइनस है जो कि समथिंग है। तो इस तरह से अगर सॉल्व करिए, काट दीजिएगा 7 से तो कटेगा नहीं, 3 से 29/27 इस तरह से कट जाएगा। तो ये सॉल्यूशन करके एक निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ डिवाइड है, और ये भी 17/51 हो जाएगा, और टोटल इसे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। बस इसमें समझना यही था कि अगर भागा में दिया हुआ है तो गुना में करने के लिए क्या करेंगे, गुना में करने के लिए सीधा बस उलट देंगे इसको। तो ऑप्शन 79 का जो आंसर आ जाता है, 79 का ऑप्शन नंबर जो कि है से 47/ जो कि है से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 बनाने लायक नहीं था, बस समझा दिए। कुछ आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको बनाने लायक है।